और नगर पंचायत अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर के खिलाफ में बीजेपी समर्थित पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी बचा ली है। अविश्वास प्रस्ताव पर गहमा गहमी के बीच में कांग्रेस और बीजेपी के स्थानीय नेताओं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष में मतदान हुआ। अध्यक्ष को स्वयं सहित 7 वोट मिले हैं। बीजेपी समर्थित 3 पार्षद मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहीं 6 कांग्रेस समर्थित पार्षद में से 1 का मत भी अध्यक्ष को मिला है। स्थानीय विधायक के मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने पर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उन्हें डर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो मैदान में नहीं दिखे हैं। नहीं देखिए, ये मूल रूप से इसका नाम ही अविश्वास प्रस्ताव था, और जहां तक अविश्वास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव जीता था तो उनके पास 8 लोग थे। आज 3 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो यहाँ अनुपस्थित रहे, ये साफ है कि वो 3 पार्षदों का विश्वास नगर पंचायत के अध्यक्ष ने खो दिया है, या फिर उन 3 पार्षदों को वोट नहीं दिला के उन पार्षदों ने अपना विश्वास अपने संगठन में खो दिया है। विश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस पार्टी लाई नहीं थी, अध्यक्ष वर्तमान में बीजेपी का ही था, ये इनकी आपस की लड़ाई थी, यही लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और कांग्रेस पार्टी ने अपना राजधर्म निभाते हुए अपना मतदान किया है और इन लोग अविश्वास